Hello everyone, welcome to today's class. This class is about the biological classification of living organisms. Okay, so let's move ahead. ओके सो एज आई मैंशनड ऑलरेडी कि आज का जो टॉपिक है वो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो एज यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल इट्सेल्फ हमें समझ आ रहा है हम कुछ बायोलॉजिकल विच मीन्स समथिंग रिलेटेड टू लिविंग स्पीशीज ओके या लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन जनरल हम कहेंगे. एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टैंड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमें क्लासीफाई करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो विच कम्स नेचुरली टू आर माइंड इज कि वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमें इनको क्लासीफाई ही क्यों करना है. ठीक है, सो एज यू नो कि जो प्लैनेट अर्थ है, राइट, प्लैनेट अर्थ जो है इट इज़ अ होम ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, large variety of living organisms. All right, उसका क्या मतलब है, ये जो living organisms हैं ये हम majorly देख रहे हैं या तो ये plants हैं या तो ये animals हैं. ठीक है, यानी कि जो भी हम हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनमें हमें लार्ज वेराइटी देखने को मिलती है. एंड ये जो लार्ज वेराइटी हमें इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है दिस इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी. ओके ओके, सो द लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमें देखने को मिलती है दैट्स नोन एज बायोडाइवर्सिटी. And there are millions of plants and animals in the world. इस दुनिया में आपको millions and billion millions of plants and animals देखने को मिलेंगे. So ये जो हमें हर different kind of plant and animal देखने को मिलता है which is known as a species of plants and animals, देखा गया है कि there is an estimate तकरीबन दुनिया में 1.7 to 1.8 million species हैं. किन की? Of these plants and of these animals. In animals or plants में जो species का count है that is 1.7 to 1.8 million. यानी कि आप देखो कितनी rich biodiversity of living organisms हमारी planet earth पे exist करती है. ठीक है, एक तो ये वो living species हैं जो already हमने discover की हैं, इसके अलावा और भी every now and then जो है नई नई living organisms चाहे वो फिर plants हों या animals हों वो नए नए living species जो है living organisms जो हैं वो discover हो रहे हैं. ठीक है, see we need to study or we need to know about these living organisms क्योंकि ये living organisms जो हैं ये चाहे वो plant हो या animal हो ये हमारे लिए important है, ये हमारी sustenance के लिए important है. ठीक है, so we need to know and we need to study about these living organisms, हमें इनके बारे में जानना और समझना और इनके क्या usefulness जो है वो हमारे लिए हो या overall planet earth के लिए जो जितने भी वो usefulness है उनकी वो हमें समझना है, वो हमें जानना है. बट सिंस आप देखो बायोडाइवर्सिटी का कितना रेंज है, इट्स अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और इन सब को एक एक करके पढ़ना सो इट्स ए नियरली इम्पॉसिबल टास्क. यू नो इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे वो एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों जो ऑलरेडी हैं या जो नए न्यूली डिस्कवर्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जो नए होते रहते हैं डिस्कवर. ठीक है, सो वी नीड टू डिवाइज कुछ हमें ऐसे तरीका कोई ढूंढना है जिसकी वजह से हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है पढ़ सकें, समझ सकें, उनके बारे में हम नॉलेज हासिल कर सकें और हम उनके उनसे फ़ायदा ले सकें. ठीक है, एंड वन ऑफ द कन्वीनियंट मेथड्स जो है या यू कैन से द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू स्टडी द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग सच अ रिच बायोडाइवर्सिटी इट इज़ टू क्लासीफाई दैम. ठीक है, दैट इज़ वेयर यूअर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कम्स इन टू प्ले. यहाँ पर अब आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अहमियत समझ आती है. नाउ क्लासिफिकेशन क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक सिंपल फ्रूट सेलर को देखा होगा, नाउ वो फ्रूट सेलर क्या करता है, वो अपने डिफरेंट फ्रूट्स जो है वो अपने डिफरेंट बास्केट्स में उन्हें क्लासीफाई करता है. ठीक है, ऑरेंजेस को अलग रखता है, एप्पल्स को अलग रखता है, ग्रेप्स को अलग रखता है. वाई? ताकि उसका काम है उन फ्रूट्स को बेचने का काम, तो ताकि वो जो उसकी सेलिंग ऑफ फ्रूट वाली प्रोसेस है वो उसको कन्वीनियंट हो जाए, आसान हो जाए. ठीक है, ताकि जब भी कोई कस्टमर उसके पास आ जाए, ठीक है, वो बायर आ जाए, वो बायर को ईजिली अपनी जो अपने जो फ्रूट्स हैं उसके पास जिनको वो भेजता है वो उनको बेच सके. अब उसके कंपैरिजन में अगर वो सारे फ्रूट्स है ना चाहे एप्पल्स, ऑरेंजेस, ग्रेप्स,
ठीक है, इन सब फ्रूट्स को अगर वो मिक्स करता, तो उसके बाद अगर उसके पास कोई बायर आता उन चीज़ों को ख़रीदने के लिए, तो उसको मुश्किल हो जाती ना बेचना उनको। तो सबसे कन्वीनियंट मेथड, जब आपके पास एक रिच वैरायटी हो, जब आपके पास बहुत सारे फॉर एग्जांपल इस केस में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमें पढ़ना है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यू नो अलग अलग से पढ़ें। व्हाट वी डू इंस्टेड, वी क्लासिफाई देम। अब हम ये क्लासिफाई क्या करते हैं, हम उनको ग्रुप्स में और क्लासिफाई करते हैं, यानी हम डिफरेंट एनिमल्स एंड डिफरेंट प्लांट्स के ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है, यानी उनकी कन्वीनियंट कैटेगरीज बनाते हैं। दैट इज़ व्हाट क्लासिफिकेशन मीन्स। सो क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वी ग्रुप डिफरेंट, अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की स्पेसिफिकली बात करें, तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वी ग्रुप डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। अब ये किस बेसिस पे हम करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जब एक फ्रूट सेलर ऑरेंजेस को अलग करता है, तो वो ऑरेंजेस को बाहर से देखता है, ओके, जो येलो कलर की चीज़ें हैं, ऑरेंजेस तो ऑरेंज वो येलोइश कलर के होते हैं, उनको वो अलग रखता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल एप्पल्स को अलग रखता है। अब एप्पल्स में भी उसको बहुत सारे काइंड्स होते हैं, यू नो देयर आर डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एप्पल्स। अब वो उनके जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं उन बेसिस पे वो उन डिफरेंट फ्रूट्स को जो है क्लासिफाई करते हैं। सेम इज़ द केस विथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे भी हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं, ये जो क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, सो दिस इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट, ठीक है, इट्स द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू नो और स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, उनको क्लासिफाई कर दो, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स और कैटेगरीज, किनकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, यहाँ पे वो करते हैं। अब किस बेसिस पे ये हम करते हैं, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल, यानी जो हमें हमारी आँख से हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, ओके, फॉर एग्जांपल इस ऑर्गेनिज्म में कान जो है वो बाहर है, ये वाला ऑर्गेनिज्म है इसमें कान बाहर नहीं, इंटरनली लोकेटेड है, तो वो एक ऑब्जर्वेबल फीचर है। फॉर एग्जांपल दूसरा फीचर ये हो सकता है, इस ऑर्गेनिज्म की टेल है। दूसरा हम देख सकते हैं, ये सपोज ऑर्गेनिज्म सेकेंड जो है उसके पास टेल नहीं है, ठीक है, तो उस बेसिस पे हम उनको हम बोलेंगे ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टर्स हैं, उस बेसिस पे हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। तो विच, अब मैं इनको थोड़ा सा, मतलब आई वुड लाइक टू से कि मेजरली इनको कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं। नंबर वन, हम उन्हें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जो उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उस बेसिस पे हम उनके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स या सिमिलर फीचर्स पे बेस करते हैं, एंड इवन इंटरनल स्ट्रक्चर पे भी, ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर पे भी। फॉर एग्जांपल उनकी सेल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ठीक है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ठीक है, उनके मोड्स ऑफ लिविंग क्या हैं, उस बेसिस पे भी करते हैं हम उनको यू नो क्लासिफाई। एंड एनवायरनमेंट में और आपस में उनके क्या रिश्ते हैं, जिसे हम इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स कहते हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स एट्सेट्रा। ये कुछ इंपॉर्टेंट यू वुड से हमारे पास टूल्स होते हैं जिनकी वजह से हम इन लिविंग स्पीशीज़ की क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट व्हाट वी डू, वी अरेंज दीज लिविंग स्पीशीज, चाहे वो प्लांट्स की हों, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, क्या करते हैं, इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। और ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं इनको हम बोलते हैं टैक्सा, टैक्सा इज द प्लूरल वर्ड एंड टैक्सोन इज द सिंगुलर वर्ड, ठीक है, एंड देयरफॉर टैक्सोन जो है इसी को हम कहते हैं, इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और यू कैन से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ऑलराइट, ओके, सी दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट MCQ फॉर योर एग्जाम, यानी यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, टैक्सोन, जिसका प्लूरल है टैक्सा। ऑलराइट,
नाउ ये जो स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, व्हेन आई से लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसका मतलब है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दिस स्टडी इज नोन एज टैक्सोनॉमी, ठीक है, दिस इज नोन एज टैक्सोनॉमी. अब ये टैक्सोनॉमी में अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कहें, मतलब मोटा मोटा कहें, टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, पहले हम करते हैं इसमें आइडेंटिफिकेशन, यानी हम पहले ऑर्गेनिज्म को पहचानते हैं कि वो प्लांट है, एनिमल है, क्या है, ठीक है. सेकेंड स्टेप जो हम करते हैं वो करते हैं कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, हम उसके कैरेक्टर्स को देखते हैं, ओके. एंड जो थर्ड स्टेप है वो क्या करते हैं, हम उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे. एंड लास्ट जो हम करते हैं उसके साथ, दैट इज़ नॉमनक्लेचर, यानी हम उस लिविंग स्पीशीज़ का नाम देते हैं. नॉमनक्लेचर आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल लेटर, ओके. नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर मीन्स नेमिंग, यू नो, इसका मतलब यह है कि पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वंस दैट इज़ डन व्हाट वी डू नेक्स्ट, नेक्स्ट वी डू कैरेक्टराइजेशन, एंड व्हाट वी डू थर्ड वी डू क्लासिफिकेशन, हम उसको क्लासिफाई करते हैं. एंड फोर्थ हम उसका नामकरण करते हैं, नेमिंग करते हैं. और नेमिंग जो है इसका भी अपना एक प्रोसीजर है, ठीक है, ऐसे ही रैंडमली नाम नहीं दे देते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम सर्टन रूल्स के हिसाब से हम उसको नाम देते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ वॉट द टैक्सोनॉमी स्टैंड्स फॉर. सो वॉट इज़ द टैक्सोनॉमी का क्या मतलब है, टैक्सोनॉमी का मतलब है कि जो हम स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं उसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है. एंड जो उसमें इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमनक्लेचर, दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन टैक्सोनॉमी, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज करने में, क्लासीफाई करने में ये इंपॉर्टेंट रोल, यू नो, इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ठीक है. नाउ एज आई से कि क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी जो है, सॉरी, क्लासिफिकेशन जो है ऑफ लिविंग स्पीशीज, इट इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप, ये एक स्टेप में नहीं हो जाता है, बल्कि इसमें इट्स अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, इट्स अ हायरार्की ऑफ स्टेप्स. क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग स्पीशीज या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, इट इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप, ये एक स्टेप वाली प्रोसेस नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट अ सिंगल स्टेप. अगर ये सिंगल स्टेप नहीं है तो इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व्स, इसमें आपको हायरार्की यानी मल्टीपल स्टेप्स, हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड है, ठीक है, जिसमें हर एक स्टेप एक टैक्सोन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. ईच स्टेप जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू ए टैक्सोन, और जिसको रैंक भी बोलते हैं, ठीक है, ओके. नाउ अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में आपको बताती हूँ, ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में हम देखते हैं, ठीक है. पहला है जिसको हम कहते हैं किंगडम, ठीक है, किंगडम में ही ये डिवाइड होता, प्लांट है, एनिमल है. उसके बाद आता है आफ्टर किंगडम, किंगडम इज फॉलोड बाई फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स एंड डिविजन इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है, दिस इज द सेकेंड टैक्सोन. फाइलम या डिविजन के बाद जो आता है दैट इज नोन एज क्लास, क्लास के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है फैमिली, ठीक है, फैमिली के बाद आता है जीनस, ठीक है, और जीनस के बाद आता है स्पीशीज. ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ द 5-6 जो है मेजर टैक्सा, कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सा जो है वो यही है. लेकिन यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू रिमेंबर देम इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या तो आप नीचे से ऊपर की ओर जा सकते हैं या ऊपर से नीचे की ओर आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन यू नीड टू रिमेंबर देम इन ए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस. यानी किंगडम के बाद आप क्लास नहीं ले सकते, किंगडम के बाद एनिमल्स के केस में फाइलम आएगा और प्लांट्स के केस में डिवीजन आएगा, फिर क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीन्स, देन स्पीशीज, इस तरह से होगा, ठीक है. यहाँ पे मैंने पहले भी बोला, जो बायोलॉजिकल नॉमनक्लेचर यानी नेमिंग ऑफ लिविंग स्पीशीज जो है उसका अपना वो रूल्स वगैरह क्या हैं, कैसे हैं, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन यहाँ पे जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स आगे देखेंगे. सी, जीनस जो है ना, नाम हम जीनस और स्पीशीज़ के बेसिस पे देते हैं. नाम जो है वो, उसमें दो इपिथेट्स होते हैं, टू इपिथेट्स,
ठीक है। पहला जो नाम है वो जीनस के साथ कंसर्न होता है, जिसे हम जेनेरिक एपिथेट कहते हैं, और ये हमेशा कैपिटल लेटर से जो है स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं। उसके बाद यू प्लेस ए हाइफन वाइल राइटिंग द नेम ऑफ एनी बायोलॉजिकल नेम ऑफ एनी लिविंग स्पीशीज, एंड जीनस नाम के बाद जो सेकेंड नेम होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से यू नो स्टार्ट किया जाता है, जिसे हम स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। अब ये जो स्पेसिफिक एपिथेट हो, ये आपका स्पीशीज के साथ रिलेवेंट होता है। यानी देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपको, सी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको सिखाऊंगी। सपोज आप मैन या ह्यूमन जिसको आप कहते हैं, हमारा जो बायोलॉजिकल नेम है वो है होमो, इसलिए हमारा एच कैपिटल आएगा, होमो सैपियंस, ठीक है, ऑल राइट, होमो सैपियंस एंड वी ऑलवेज अंडरलाइन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे बताना है ये मेरा जो है ह्यूमंस का ये बायोलॉजिकल या जोलॉजिकल नेम है, क्योंकि हम एनिमल्स हैं, प्लांट्स तो नहीं हैं, तो हम एनिमल्स को बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारा जोलॉजिकल नेम होता है। प्लांट्स जो होते हैं उनका बायोलॉजिकल या बॉटनिकल नेम होता है। नव ये जो होमो है ये हमारे जीनस को रिप्रेजेंट करता है, हम किस, हमारा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारा जीनस क्या है, होमो, ठीक है। अब सैपियंस जो है ये हमारी स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है, सैपियंस जो है ये हमारी स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये मुझे थोड़ा सा आपको बताना था यहाँ पे, ठीक है। सो यू नीड टू नो सम बेसिक बायोलॉजिकल नेम्स, कुछ कुछ जो कॉमन्स हैं, जैसे ह्यूमंस का आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंगो, कुछ प्लांट्स का या फ्रूट्स का मैं बोल रही हूँ, या कुछ फ्लावर्स का कुछ आप यू नो अपनी जगह याद कर सकते हैं, यानी कि आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैन का है फॉर एग्ज़ाम्पल हाउस फ्लाई, है ना, मक्खी जो होती है उसका क्या है, मस्का, ठीक है, डोमेस्टिका। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मैंगो की बात करें, मैंगो में यू हैव मैग्निफेरा इंडिका, ठीक है, ओके। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई और देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल पैंथरा लियो, ठीक है, लाइन का है। इसी तरह पैंथरा, ये मैं लिखूंगी लाइन यहाँ पे, पैंथरा टाइग्रिस, ये किसका है, टाइगर का है, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द बायोलॉजिकल नेम्स, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड, ठीक है, टू अनदर पार्ट ऑफ द टॉपिक दैट इज नोन एज टेक्सोनॉमिकल एड्स, ओके, टेक्सोनॉमिकल एड्स, एड्स यू अंडरस्टैंड, एंड बाय टेक्सोनॉमिकल एड्स वी मीन दैट दीज आर द टूल्स विच हेल्प अस एंड असिस्ट अस इन यू नो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज, यू नो इन स्टडीज विच आर इन रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग स्पीशीज। एंड यू नो लिविंग स्पीशीज एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, ठीक है, वी इधर क्लासीफाई दैम एज प्लांट्स, ठीक है, और एज एनिमल्स, ओके, और एज फॉर एग्जाम्पल माइक्रोब्स भी हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। नाउ ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर आवर प्राइम बायो रिसोर्सेज, नाउ यू विल से हाउ, ठीक है, ये हमारे प्राइम बायो रिसोर्सेज हैं। तब द क्वेश्चन अराइजेस हाउ, सी देर आर वेरियस मेडिसिंस विच आर डिराइव फ्रॉम प्लांट्स, सो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनका मेडिसिनल वैल्यू है, ठीक है, जैसे जिन्हें हम मेडिसिनल प्लांट्स कहते हैं, ऑल राइट, ये एक ऐसा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, दैट इज़ हाउ प्लांट्स एक्ट एज द बायो रिसोर्सेज। इसी तरह फॉर एग्जांपल बहुत सारे मेडिसिंस हैं जो हम एनिमल से डिराइव करते हैं, एनिमल्स, यू कैन से एनिमल डिराइव्ड मेडिसिंस, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, माइक्रोब्स की इंपॉर्टेंस भी आपको पता ही है। नाउ सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इनके जो स्पेसिमेंस होते हैं, ठीक है, उनका कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन करें, ठीक है, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेंस of these living organisms, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रोब हो, इनके जो स्पेसिमेन होते हैं, स्पेसिमेन का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो ये जो स्पेसिमेन है इसका क्या मतलब है, दीज आर द सेम प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब स्पीशीज जिनको हम पहले कलेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं फॉर द सेक ऑफ साइंटिफिक स्टडीज़, ठीक है,
इनकी साइंटिफिक स्टडीज़ के पर्पज़ के लिए जब हम इन्हीं प्लांट एनिमल और माइक्रोब स्पीशीज़ या लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीशीज़ इन जनरल मैं कहूँगी उनका कलेक्शन करते हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं ताकि हम उनको फ्यूचर साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए यू नो यूज़ कर सकें उनका. दैट इज़ व्हाट स्पेसिमेन मीन्स. नाउ सिंस मैंने कहा कि यही प्लांट एनिमल एंड माइक्रोब या लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बायो रिसोर्सेज का काम करते हैं दे या इनकी जितनी भी डाइवर्सिटी है वो हमारे लिए दैट एक्ट्स एज अ प्राइम रिसोर्स ऑफ यू नो प्राइम सोर्स ऑफ बायो रिसोर्स. ठीक है, इसलिए बायोलॉजिस्ट के लिए जो है उसने उन्होंने कई सारे प्रोसीजर्स या टेक्निक्स जो हैं वो डिवेलप की हैं या मैंशन करी हैं या यू नो काइंड ऑफ डिस्क्राइब की हैं. ठीक है, जिनकी वजह से हम कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेसिमेंस करें. ठीक है, ठीक है. सो एज आई सेड कि जो बायोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने कई सारे प्रोसीजर्स या टेक्निक्स बता दी हैं. ठीक है, जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कलेक्शन. ठीक है, पहले तो हमें इस स्पीशीज़ को कलेक्ट करना है ना, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लिविंग स्पीशीज़. ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ किनका स्पेसिमेन का. ठीक है, ओके. एंड ये जो प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से हम इनका प्रिजर्वेशन करते हैं दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज टैक्सोनॉमिकल एड या एड्स. इसी को हम टैक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं. ठीक है, या एड बोलते हैं. नाउ हम कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स को देखेंगे. जो पहला है दैट इज़ नोन एज हर्बेरियम. ठीक है, हर्बेरियम इज सिंगुलर एंड हर्बेरिया जो है दैट इज प्लूरल. अब ये हर्बेरिया क्या है. ठीक है, हर्बेरिया जो है इट इज़ ए रिपोजिटरी. ठीक है, ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस. रिपोजिटरी मीन्स इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस. यानी जो प्लांट स्पीशीज हैं जिन्हें जिनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसके बाद हम उनको प्रिजर्व करते हैं. कैसे, फर्स्ट वी ड्राई दोज प्लांट्स. पहले हम उनको ड्राइंग करते हैं. ठीक है, उसके बाद प्रेस करते हैं ऑन प्लेन शीट जिन्हें हम हर्बेरियम शीट्स कहते हैं. ठीक है, इन पे हम इनकी ड्राइंग करते हैं, प्रेसिंग करते हैं और साथ में हम इन्हीं प्लांट्स की जो है लेबलिंग करते हैं. लेबलिंग में क्या करते हैं हम, ओके, लेबलिंग में फॉर एग्जांपल हम इन प्लांट्स की डिस्क्रिप्शंस बता देते हैं. अब उस डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, हम बताते हैं कि हमने इस प्लांट को कब कलेक्ट किया था, यानी डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कलेक्टर्स नेम, ये सारी चीज़ें हम इसमें मेंशन करते हैं. इसके अलावा फॉर एग्जांपल हम इस प्लांट के नेम्स भी बता देते हैं, इस प्लांट को लोकली क्या बता देते हैं, इंग्लिश में इसका क्या नाम है और बॉटनिकल नाम क्या है इस प्लांट का. ठीक है, सो यू कैन से कि अब ये जो हर्बेरियम है दे सर्व एज ए टैक्सोनॉमिक एड. ठीक है, फॉर प्लांट स्टडीज़, जब भी हम इन प्लांट्स के लिए स्टडीज़ करते हैं, ठीक है, हम उनका जो टैक्सोनॉमिक एड है वो हर्बेरियम एक्ट करता है. ठीक है, ठीक है. सो लेबलिंग में हम डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं. ठीक है, डिस्क्रिप्शंस में हम डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन बोलते हैं, कलेक्टर्स नेम भी हम बोलते हैं, इसी तरह जो नेम हम बोलते हैं लोकल, बायोलॉजिकल, ठीक है, एंड इंग्लिश ये नाम है. ठीक है, सो इट सर्व्स एज ए टैक्सोनॉमिक एड. नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज सॉरी बॉटनिकल गार्डन्स. ठीक है, अब ये बॉटनिकल गार्डन तो आपको पता ही होगा. ठीक है, लेकिन बॉटनिकल क्यों है, बॉटनिकल का क्या मतलब है. बॉटनिकल ये स्पेशल गार्डन्स होते हैं. स्पेशल क्यों होते हैं, इसमें देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हर्बेरियम में हम प्लांट को क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं अगेंस्ट द हर्बेरियम शीट. ठीक है, मतलब काइंड ऑफ डेड प्लांट्स होते हैं ये, लिविंग प्लांट्स नहीं होते. लेकिन बॉटनिकल प्लांट्स गार्डन्स में हम क्या करते हैं, हम कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स करते हैं. ठीक है, लिविंग प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं और उनको ग्रो करते हैं. ठीक है, दे आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज और उन्हें ग्रो करते हैं. ठीक है, और फिर अगेन उनकी लेबलिंग करते हैं, जैसे बिल्कुल हम हर्बेरियम के केस में करते हैं, लेबलिंग करते हैं. ठीक है, और इस तरह से जो है जब भी हमें उन प्लांट्स को स्टडी करना होता है तो वी कैन टेक द लाइव स्पेसिमेन फ्रॉम द बॉटनिकल गार्डन्स. ठीक है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन्स दुनिया के फेमस हैं, क्यू बॉटनिकल गार्डन जो है वो इंग्लैंड में है. इंडिया में भी कुछ इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन्स जैसे नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ इंडिया, इसी तरह हावड़ा में है
इन वेस्ट बंगाल. इसी तरह इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो है वो हावड़ा में है. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन्स हैं. अब नेक्स्ट जो है दैट इज़ नोन एज म्यूज़ियम, MUSEUM. म्यूज़ियम्स जो हैं दे आर ऑल्सो द टेक्सोनॉमिकल एड्स. अब म्यूज़ियम में क्या करते हैं, इसे हम कहते हैं अक्सर अजायब घर. सो ये जो बायोलॉजिकल म्यूज़ियम्स हैं या आपको ज़्यादातर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं बायोलॉजिकल म्यूज़ियम्स, आपको वहीं पे हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं. अब फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें क्या करते हैं हम, इनमें जो प्लांट्स और एनिमल्स स्पेसिमेंस होते हैं, बोथ प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस को हम प्रिजर्व करते हैं. ठीक है, ऑल राइट. अब ये जो प्लांट या एनिमल स्पेसिमेंस है, कभी कभार अगर हम लाइव इनको ले, मतलब लिविंग फॉर्म में रखें, तो अब हम इन्हें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में रखते हैं. ठीक है, कुछ जार्स होते हैं ग्लास, उन्हें हम ग्लास जार्स बोलते हैं, उनमें हम प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में इन एनिमल और प्लांट के जो स्पेसिमेंस हैं वो रखते हैं, या उन्हें हम एज ड्राई स्पेसिमेंस भी रखते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंसेक्ट्स जो हैं उन्हें हम प्रिजर्व करते हैं इंसेक्ट बॉक्सेस में. ठीक है, उनको पहले क्या करते हैं, कलेक्ट, पहले आप इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं. ठीक है, कलेक्ट करने के बाद आप उसे मार देते हैं, किल करते हैं, और उन्हें फिर पिन करते हैं इन दीज इंसेक्ट बॉक्सेस. इसी तरह फॉर एग्जांपल जो लार्जर एनिमल्स होते हैं, जैसे कभी कभार यू हैव सम लार्जर एनिमल लाइक बियर या कुछ ऐसा. ठीक है, तो या बर्ड्स भी होते हैं, उनको हम स्टफ़ करते हैं. ठीक है, पहले उनको उनके अंदर जब स्टफिंग करते हैं फिर उन्हें प्रिजर्व करते हैं. ठीक है, और म्यूजियम्स में आपको डिफरेंट एनिमल्स के स्केलेटन्स भी देखने को मिलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जिसे हम जूलॉजिकल पार्क्स कहते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स. अब ये जूलॉजिकल पार्क्स क्या हैं, जिन्हें हम कॉमनली जूज भी कहते हैं. ठीक है ना, नो सॉरी, जूलॉजिकल पार्क्स को हम अजायब घर कहते हैं. ठीक है, म्यूजियम्स को अजायब घर नहीं कहते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स को अजायब घर कहते हैं. सॉरी माय मिस्टेक. यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क्स में क्या करते हैं हम, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स जो हैं उनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो फॉरेस्ट होता है. अब जूलॉजिकल पार्क्स में क्या करते हैं हम, इन्हीं वाइल्ड एनिमल्स को काइंड ऑफ आप कह सकते हैं टेम करते हैं, टेम इन अ सेंस कि हम उन्हें प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं. ठीक है, जो बिल्कुल उनके जो नेचुरल हैबिटेट या नेचुरल हैबिटेट की जो कंडीशंस होती हैं उनके साथ ही वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं. यानी हम जूलॉजिकल पार्क जब बनाते हैं, जो एनिमल्स हमें वहाँ पे रखने होते हैं, हम उनके ही हैबिटेट्स वहाँ पे क्रिएट करते हैं, रेप्लिकास करते हैं. फॉर एग्जांपल उनको लगता ही नहीं है कि हम किसी दूसरी जगह आए हुए हैं. ठीक है, बिल्कुल वैसे ही रखते हैं. जो फॉर एग्जांपल एक्वाटिक होते हैं, अगर हम डक्स को रखेंगे जूलॉजिकल पार्क में, तो हम वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज रखते हैं, जहाँ पे फिर हम वहाँ पे डक्स को रखते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि हम इन जूलॉजिकल पार्क्स, या अब क्या फ़र्क है इनमें, हम इनको अंडर ह्यूमन केयर रखते हैं. ठीक है, और हम वहाँ पे फिर उनके फूड हैबिट्स और उनके बिहेवियर के बारे में स्टडीज़ करते हैं. ठीक है, अब जितने भी एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क्स में होते हैं, ठीक है, दे आर वेल प्रोटेक्टेड. ठीक है, और उनको जैसे मैंने कहा नेचुरल हैबिटेट कंडीशंस में ही रखा जाता है, और कॉमनली हम इन्हें जूज कहते हैं. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ नोन एज की, ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, मे बी न्यू टू मैनी. दिस इज़ ऑल्सो ए टेक्सोनॉमिकल एड. ये भी हम प्लांट और एनिमल, ठीक है, उनके क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, ये जो प्लांट और एनिमल की आइडेंटिफिकेशन जो है, यानी आइडेंटिफाई करना कि ये किस ग्रुप या किस टेक्सोन को बिलोंग करता है, उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं हम कुछ एनिमल्स, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई स्पीशीज़ है या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमने वो डिस्कवर किया. ठीक है, उसके बाद हम उस एनिमल के बारे में कुछ एक कपलेट क्रिएट करते हैं. कपलेट क्या है, उसमें हम कुछ स्टेटमेंट्स लेते हैं जो कंट्रास्टिंग होते हैं, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट स्टेटमेंट्स लेते हैं. ठीक है, जिन्हें हम लीड्स कहते हैं. उस कपलेट में हम लीड्स लेते हैं. ठीक है, ये जो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, एक पेयर लेते हैं जिसे कपलेट कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल क्या इस एनिमल में ईयर्स जो हैं, क्या वो एक्सटर्नल ईयर्स हैं या एक्सटर्नल ईयर्स नहीं है, इंटरनल ईयर्स हैं. ठीक है, उस तरह का कुछ लेते हैं. फिर हम उन स्टेटमेंट्स में, ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ दोनों में से एक होगा, दोनों तो नहीं होंगे, एक लीड को हम एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे लीड को रिजेक्ट करते हैं. और उसके बाद ऐसे बहुत सारे कपलेट्स, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स हम उस एनिमल के लिए या उस प्लांट के लिए रख लेते हैं, कंसिडर करते हैं. फिर
किन किन स्टेटमेंट्स को टिक मिलती है, किन किन स्टेटमेंट्स को क्रॉस मिलता है, उस बेसिस पे हम उस प्लांट या एनिमल को जो है आइडेंटिफाई करते हैं और देन वी क्लासिफाई दैट प्लांट और एनिमल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो हम की वजह से जनरेट करते हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर टेक्सोन के लिए जो है हर की डिफरेंट होती है, यानी एक की हर टेक्सोन के लिए नहीं है। यानी किंगडम, अगर हमें उस स्पीशीज़ को किंगडम में रखना है तो उसके लिए अलग की है। अगर हमें उस स्पीशीज़ का फॉर एग्ज़ाम्पल जेनरा पता करना है या फॉर एग्ज़ाम्पल हमें उसकी फैमिली पता करनी है तो फैमिली के लिए अलग की लगेगी, ठीक है, और जेनरा के लिए अलग की लगेगी। दैट्स वाई ऐसे की जो है ये टेक्सोन स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है। नाउ इसके अलावा भी कुछ और जो है टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लोरा, ठीक है। फ्लोरा जो है ये हमें एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स बता देता है, ठीक है। ये हमें बताता है हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स के बारे में, ठीक है, किसी भी प्लांट स्पीशीज़ का हैबिटेट और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में फ्लोरा से हमें पता चलता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में। ये इम्पॉर्टेंट है, एक गिवन एरिया में उस प्लांट का हैबिटेट क्या है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो हमें फ्लोरा से पता चलता है, ठीक है, ठीक है। सो उसको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ प्लांट। ये जो हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एरिया, ये इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। सो फ्लोरा से हम इंडेक्स ऑफ प्लांट जो है वो पता करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैनुअल्स, ओके। मैनुअल्स में जो है उनमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है ताकि हम नेम ऑफ स्पीशीज़ जो है वो पता कर सके, फाउंड इन द एरिया, ठीक है। नेम ऑफ स्पीशीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग दिस, ओके। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मोनोग्राफ्स होते हैं, मोनोग्राफ में क्या होता है, इसमें टैक्सोन रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टैक्सोन की, ठीक है, इसमें सारे टैक्सोन की नहीं होती, एक पर्टिकुलर टैक्सोन का एक अलग मोनोग्राफ होता है, दैट्स व्हाई मोनो, ठीक है, सिंगल टैक्सोन। टैक्सोन यू अंडरस्टैंड, जो मैंने आपको वो किंगडम, फाइलम, डिवीजन, देन क्लास, देन फैमिली, देन ऑर्डर, सॉरी देन ऑर्डर, देन जेनरा, देन स्पीशीज, दैट इज वो उनको हम टैक्सोन्स कहते हैं, ठीक है। एंड व्हाट आर लेफ्ट, बस, ओके। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, आप फाइंड करेंगे कैटलॉग जो है, दिस इज़ ऑल्सो ए टैक्सोनॉमिकल एड। नाउ ये आपके लिए क्वेश्चन है कि कैटलॉग जो है उनसे क्या मतलब, वो कैसे एज ए टैक्सोनॉमिकल एड है। सो आई कैन से यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कैटलॉग या कैटलॉग्स एज ए टैक्सोनॉमिकल एड, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। या वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू एड ओवर हियर, दैट मैंने कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ऑल राइट, हमने वो एनिमल्स देखे, ठीक है, उनके कुछ मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन देखे एज यू कैन सी, ठीक है, एंड प्लांट्स का भी हमने देखा, जैसे हर्बेरियम वगैरह, एनिमल्स का हमने जू वगैरह देखा, ठीक है। यहाँ पे एक और मेंशन मैंने किया था विच वॉज माइक्रोब्स, ठीक है, ऑल राइट। सो आई वुड से देखो माइक्रोब्स जो हैं ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम नेकड आई से नहीं देख सकते हैं, तो इनको देखने के लिए, ठीक है, इनको देखने के लिए वी नीड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप, ठीक है, हमें एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखें। सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी ओवरऑल अगर हम देखें प्लैनेट अर्थ या हमारे इकोलॉजिकल रिलेशंस एंड एवरीथिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को समझना भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडीज़ के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रिजर्वेशन करनी पड़ती है, ठीक है, ऑल राइट। और अक्सर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं हम इनको ग्रो करते हैं विच आर नोन एज कल्चर्स, ठीक है, हम इनके कल्चर्स प्रिपेयर करते हैं। और यहाँ पे प्रिजर्वेशन टेक्निक में जैसे फॉर एग्जांपल क्राइरो, ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन जो है दैट इज़ वन ऑफ द टेक्निक्स टू प्रिजर्व द कल्चर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये एक वेल नोन मेथड है जिससे हम माइक्रोबल कल्चर्स को प्रिजर्वेशन करते हैं, ठीक है। क्रायो का मतलब है, ठीक है, एट वेरी लो टेम्परेचर्स, ठीक है,
वेरी लो टेम्परेचर्स पे हम इन माइक्रोब्स का जो है प्रिजर्वेशन करते हैं, एंड आप कह सकते हैं इवन यू कैन कॉल देम एज अल्ट्रा लो, ठीक है, अल्ट्रा लो टेम्परेचर्स पे हम इनका प्रिजर्वेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस क्रायो प्रोटेक्टेंट्स, ठीक है। ये आप वेरियस क्या कहेंगे हम, जो माइक्रो बायोलॉजिकल लेबॉरेटरीज होती हैं उनमें हम इनका प्रिजर्वेशन करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन करते हैं, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो हमें क्रायो प्रिजर्वेशन में इम्पॉर्टेंट इज क्रायो प्रोटेक्टेंट होता है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल लायोफिलाइजेशन जो है दैट इज़ अनदर टेक्निक ऑफ प्रिजर्विंग माइक्रोब्स, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल यू कैन फाइंड एंड सम मोर मेथड्स एंड यू नो टेक्निक्स ऑफ प्रिजर्विंग द माइक्रोब्स, ऑल राइट।